2-0 से पखारे आगे था, फिर सावन ने 2 गोल लगा मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, अभी तो पूरा मैच है, अभी देखते हैं। अभी गायब हो गया है आजकल, व्लॉग में दिखता नहीं है। दुश्मनी उश्मनी हो गई है क्या तेरी मेरी? अभी हम जा रहे हैं, हमारा प्लान कहाँ का है? और भाई पखारिया, तो बहुत लोग कह रहे थे कि पखारिया तो गायब हो गया है आजकल, व्लॉग में दिखता नहीं है, क्या हो गया? अभी भी देख तू डेड पड़ा हुआ था, कुछ दिक्कत विक्कत आ गई है क्या, कुछ अंदरूनी दिक्कत? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसे बता नहीं पा रहा है। कुछ दुश्मनी उश्मनी हो गई है क्या तेरी मेरी? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया पखारिया का, बताना नहीं चाह रहे, सावन उसका रिन्यू नहीं करा है। अब पखारिया, अब बात यह है ना, पखारिया इतनी बड़ी हस्ती बन चुका है, वो एक नया एंटिटी खोलना चाहता है, 20% स्टेक्स इक्विटी मांग रहा है, चैनल की 20% इक्विटी मांग रहा है। बाकी इससे याद है मेरे को, इसका सावन का ना वो आने वाला सिल्वर प्ले बटन, तो उसमें ना वो अपना नाम कुछ भी लिख सकता है, मतलब चैनल का नाम या व्हाटएवर टेक्स्ट। तो ये बोल रहा था कि भाई सब कुछ सबके नाम लिखवाऊंगा मैं, सौम्यम का, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मॉनसून लिख दूंगा और ब्रैकेट में पखारिया। अरे भाई भाई, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर पता है बात क्या होने वाली है? वो दिख रहा है आपको वहाँ पे, अगर प्ले बटन आ भी गया ना तो उसके ऊपर ना सब्जियां ही काटी जाएंगी बस, और कुछ नहीं होने वाला। बाकी तो पखारिया के आजकल भाव बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब कमेंट्स में, मतलब जब तू रिकॉर्ड कर रहा होता है तब तो होते ही रिकॉर्ड, उसके बाद टकराते नहीं होंगे, या तो कहीं और रिकॉर्ड कर रहा होता होगा, मतलब किसी और रूम में। तो है ना, आपने ना कमेंट्स में ना पखारिया पखारिया बोल के ना पखारिया के स्टेक्स बढ़ा दिए हैं। अब ना बात वही है, अब पखारिया वो होता है थोड़ा, आने से ना थोड़ा हिचकता है, थोड़ा भाव लेता है ज्यादा। तो आप कमेंट्स में जाके बोल दो यार कि ऐसा भाव ना ले और ऐसा ना करे। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी है, अगर तू रिकॉर्ड कर रहा होता है तब बिल्कुल करते हैं सब लोग, मैं भी होता हूँ, बट अगर मैं नहीं आ रहा उसका मतलब मेरे सामने शायद रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, उसका शायद वो चीज। तो ये भी है, एंड अभी हम थोड़ा फीफा भी खेलने वाले हैं, एंड पखारिया फीफा का बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है रिसेंटली, आपको पता ही है। बारसा रियल मैड्रिड का मैच भी तूने देखा था या नहीं देखा था? देखा था ना, अब तो तू थोड़ा हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे करके फुटबॉल मूवीज थोड़ा देखना चाह रहा है। नहीं मतलब मूवीज, अच्छा, अगर आपको सजेस्ट करनी हो चाहिए तो मैं कर सकता हूँ आपको सजेस्ट, जैसे मैं पखारिया को 2-3 मूवी सजेस्ट कर देता हूँ। बाकी तो ये भी बात है, एंड अभी पता चल जाएगा कि फीफा में कौन है। एंड सौम्यम तो है ही हमारा हमेशा की तरह, जो थर्ड प्लेस में आएगा फीफा के। नहीं नहीं नहीं, प्रेडिक्ट करते हैं, शर्त लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। मेरे को तो ये लगता है कि ये 7-2 से या 6-2 से हारेगा। ओ तूने बहुत, चलो देखते हैं, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मेरा पहला मैच है, उसके स्कोर्स आ जाएंगे। मुझे लगता है हम दोनों का जो मैच होगा अभी वो बहुत ज्यादा टफ, और मतलब हमेशा ऐसा होता नहीं है, हमेशा मतलब मेरी थोड़ा ज्यादा लीड होती है एक तरफ, बट कोई बात नहीं, हो भी सकता है। अभी रुकते को कॉम्पिटिशन देता हूँ, रुक जा। और भाई एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, हम अभी अपने प्रॉफ्स के बाद, जो प्रॉफ्स हमारे जनवरी में है, उसके बाद हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं। कहाँ? गोवा। नहीं नहीं, पहले रुक जा रुक जा, अभी घर पे नहीं बताया मैंने, पूछना है मेरे को पहले। नहीं जा रहे बैंकॉक भाई, गोवा जा रहे भाई, तो गोवा का भी तो पूछना है। भाई यहाँ पे अब सौम्यम तेरे इरादे कुछ और हैं कहीं और जाने के? बीट जाने का। नहीं हमें लगता है ट्रैक से भटकने की बातें कर रहा है। हाँ मुझे कह रहा था कि अब बैंकॉक में वो मसाज बहुत होती है, बाकी ट्रैक और सौम्यम का रिश्ता बहुत भटकने वाला ही लगता है। पिछले ट्रैक याद है जब तेरे को? याद ही नहीं, मतलब तेरे को गया ही नहीं था। याद ही नहीं है, ऑन द फर्स्ट टाइम वो गया ही नहीं था ऊपर, इसके पेट में कुछ दिक्कत हो गई थी, बाकी तो पेट वेट में दिक्कत नहीं होती, मोमो फीवर हो गया। क्या कहता है? ये मोमो फीवर हो गया था। ये हम जा रहे हैं, हमारा प्लान कहाँ का है? गोवा का, मैंने इसलिए फाइनलाइज करा क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रैक नहीं है, तो बीमार नहीं होंगे। बात ये है ना कि अब सौम्यम हमारा बड़ा आदमी बन चुका है, और अब उसकी भी बारी आ चुकी है, यू नो, महिला मित्रों से मिलने की। हाँ तो ऐसा हो चुका है, एंड अभी वो कह रहा था कि हाँ यार थोड़ा गोवा वोवा चलते हैं। अभी इसने गाली दिया 2-4, तो एक कट होके आएगा। तो अगर आपको अभी बीच में एक अब्रप्ट कट मिला था ना, अगर सौम्यम का पार्ट नहीं सुनाई दिया तो उसने गाली ही दी थी माँ बहन की। तो अभी अगर कट हुआ होगा तो उसमें ठीक है, हमारा प्लान है। एंड पखारिया तेरा भी प्लान है क्या जाने? पहले तो मैं घर पे पूछूंगा ना कि क्या मैं जयपुर जा सकता हूँ। पर इस बार थोड़ी कॉस्टली जयपुर ट्रिप है। तो गोवा इज ऑन होने वाला है भाई। बोला होगा ना कि वहाँ पे गोवा के जो मंदिर होते हैं, वहाँ पे प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ पे हम अपनी श्रद्धा के लिए जा रहे हैं, भक्ति के लिए जा रहे हैं, और तो कुछ और कोई रीजन नहीं है। नहीं, मैं तो सीधे पूछता हूँ, गोवा जा रहे हैं, इतने लड़के हैं, इतने फल फ्रूट भी बहुत
बहुत सस्ते मिलते हैं वहाँ पे, तो ये पखारे को ज्यादा नॉलेज, हाँ पखारे को ज्यादा नॉलेज होगी। वो आजकल रील रिकमेंड हो रही है, वो पता नहीं उन्होंने माइक्रोफोन एक्सेस कर रखा है तो हम बोलते रहते हैं गोवा 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 गोवा, गोवा की ही रील आती रहती है। बाकी तो कुछ नहीं, हम कोई रीजन के लिए नहीं जा रहे हैं, बाकी फन तो हमारा सेकेंडरी है, फर्स्ट हमारी भक्ति होगी वहाँ जाकर, भक्ति करेंगे। फुटबॉल कल्चर भी एक्सप्लोर करने का बोल रहा था सावन की, एफसी गोवा वगैरह, हाँ एफसी गोवा वो सब, तो हम बने हुए प्लेयर्स देखने हैं क्या कैसे खेल रहे हैं, प्लेयर्स देखने हैं, हाँ प्लेयर्स। बाकी और कोई रीजन के नहीं जा रहे, तीन चार मंदिर हैं जो हमने ढूंढ लिए हैं, वहाँ जाकर हम विजिट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। फन होने वाला भी रहा पकारिया, चल ठीक है। यस हम सबने टिकट बुक कर लिया है, टिकट बुक कर लिया है। मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ था, मतलब शुरू में हम सब साथ में बैठे हुए थे, फ्लाइट की टिकट बुक करा रहे थे, शुरू में हम सोचे थे कि हम टिकट करते हैं। बात ये ना कि कोई सब हेजिटेट बात करे, कोई टिकट करने के लिए तैयार ही नहीं है, बना रहे थे, मैंने कर ली। तो फिर तीन चार लोगों ने रिस्क लिया, नहीं नहीं उसके बाद तो क्या, प्रेम ने ना एंड में भी चला गया और इसको पेटीएम भेज रहा है, इसके फोन में आ रहा है, मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहा है, मेरे यूपीआई भेज रहा है। तो क्या हुआ ना, फिर मतलब सब ऐसे हेजिटेट कर रहे थे, सस्ती आ रही तब टिकट 4.8 मतलब ऐसे सस्ती आ रही 5000 करोड़, पर जैसे इन्होंने जैसे मैंने डांगी दो तीन लोगों ने कर दी रिस्क लेके, वो लोग हमारे मजाक में भाई 1200-1500 टिकट भाई कॉस्ट बढ़ गई, 5000 से लेके 8000 हो गई भाई, जेनवन हो गई उसके भाई, सबकी लिटरली बढ़ गई। उसके बाद तो हमने एक दिन बात किया जब थोड़ी प्राइसेस लो हुई, पर अभी भी ज्यादा हो रही हैं। और भाई हमारे प्रॉफ्स कब खत्म है, 18 तारीख को, और हम जब का जाकर रहे हैं 19 तारीख को, तो भाई बिल्कुल कट टू कट मामला, मतलब अगर एक दिन का भी आगे पीछे हो गया तो भाई दिक्कत हो सकती है, तो भाई ये सब हम बहुत बड़ा रिस्क लेकर ही जा रहे हैं। अब देखते हैं अगर सब चीज चली गई, क्योंकि हमेशा प्रॉफ की तो टेंटेटिव डेट होती, तो देखते हैं हमारा चिल हो पाता है नहीं हो पाता। बाकी चलो देखते हैं फीफा में क्या चलता है। ओके भाई फीफा चैंपियन यहाँ पे अपनी इनसाइट, यूसीएमएस का रनर अप, यूसीएमएस का रनर अप जिनको नहीं पता वो जान ले, पेनल्टी तो सावन ने पेनल्टी दे दिया पखारिया को, तो अब देखते हैं कि वो देखते हैं, लेट्स गो। ये पखारिया ने पेनल्टी ले ली है, कोई बात नहीं अभी तो मैच शुरू हुआ है। तो भाई अभी बहुत ज्यादा इंटेंस मामला हो चुका है, तो 2-0 से पखारिया आगे था, फिर सावन ने 2 गोल लगातार कर दिया और 2 ऑल हो गया, तो देखते हैं कितना टाइम हो गया, 54 मिनट। नेक्स्ट मैच तो जो भी जीतेगा मेरे साथ होगा, क्योंकि वो फाइनल होता है ना। गोल भाई गोल, नाइस। तो भाई अब 3-2 हो चुका है, लगता है सावन ही फाइनल खेलेगा मेरे साथ। नहीं 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 अभी तो पूरा मैच है, अभी देखते हैं, अभी 3-2 हो गया भाई, जनमन भाई अभी कमबैक है। 2-0 से पखारिया आगे था, तो पखारिया को लगा कि चलो आज कुछ आज हो सकता है, आज हो सकता है। मैं प्रे कर रहा था कि भगवान ये स्ट्रगल ही करे, नहीं नहीं पर अभी हो सकता है, गेम बचा हुआ है पूरा। पखारिया ना वापस 3 ऑल हो चुका है, तो लगता है काफी इंटेंस हो गया मामला। ये गोल देखते हैं, तो पखारिया की 2 मिनट है, बहुत अच्छा हेडर भाई, बहुत अच्छा भाई, सावन ने रन बना लिया, ओए बहुत अच्छी भाई, भाई। विनी जूनियर भाई, विनी जूनियर अभी चल सकता है, 4-3 भाई, खाने ने भी एक रन बना लिया, उसका कोई अटैकर साथ में नहीं है, काफी अच्छा गेम था आखिरकार 4-3 से मेरे साथ ही खेलेगा, तो चलो अब आजा 4-3 से आखिरकार, मतलब अच्छा मैच था पखारिया, पखारिया पहले 2-0 से लीड, वो गोल बहुत अच्छा था वो वाला सामने, कोई बात नहीं, हमारे जो फुटबॉल फैंस हैं उनको थोड़ा पता चल गया होगा कि कैसा सिनेरियो रहता है, अभी सौम्यम भी बचा है तो सौम्यम के साथ भी करते हैं, फाइनल होगा, चलो ओके ओके। सो फाइनली हम देख सकते हैं सौम्यम ने कितना डिसअपॉइंटेड गेम खेला कि उसने क्विट करके मैच का स्कोर ही दिखाने से मना कर दिया, स्टार्ट नहीं हुआ, 7-2 था स्कोर, सौम्यम कह रहा था फाइनल में सौम्यम के साथ, फाइनल में सौम्यम जो हम दोनों में से हार जीतेगा वो सौम्यम, भाई तू झूठ बोल रहे, अरे अगले अधर अधर गोल मार अधर, एक ठुड्डा ठुड्डा मार दे, ठुड्डा ठुड्डा मेरे ठुड्डा मार दे, मतलब सही मारते मैं गोल मारता हूं, ये जिन्न कैसे आप सभी लोग, आज मेरी एनेस्थीशा की वर्ल्ड लीव है एंड अभी जाना है 11 बजे जाना है वार्ड लीव के लिए देने के लिए, और इस हफ्ते एक बार भी नहीं गया एनेस्थीशिया, बस वार्ड लीव देने जा रहे हैं एनेस्थीशिया, ठीक है। तो दिवाली की छुट्टियां थी ना, तो इसलिए जा भी नहीं पाए क्योंकि सब लेट ही आए थे, एंड बीच में वो भी था छठ पूजा भी थी, तो लोग आए नहीं फिर उसके बाद, तो इसकी वजह से हम अटेंड नहीं कर पाए। तो ये है 10 बज रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, मतलब 10 मिनट पहले निकल जाएंगे, बाकी अभी जल्दी से तैयार होते हैं
थोड़ा थोड़ा खाना वाना खा लेता हूँ, मेरे को बाल कटाने हैं और थोड़ा ट्रिम व्रिम भी करना है, बट आज नहीं, चलो देखते हैं। एनेस्थीशिया की वार्ड लीव दे के आते हैं, पोस्टिंग तो गए नहीं बट वार्ड लीव देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो चलो चलते हैं वार्ड लीव देने, और उसके बाद वार्ड लीव देने के बाद बताते हैं आपको क्या एक्सपीरियंस रहा। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं, ऐसा था कि MCQs होंगे बस, और ज़्यादा कुछ होगा नहीं। हमको एक परफॉर्मा भी साइन करवाना था जिसमें कॉम्पिटेंसीज थी जो कि जाकर पूरी करनी होती है कॉम्पिटेंसीज, और जब उसमें परफॉर्मा में साइन होता है वो परफॉर्मा मैंने कल प्रिंट करवाया है, ठीक है, थोड़ी लगी तो पड़ी है बट देखते हैं क्या सीन बैठता है। हाँ गाली सुन लेंगे, क्या ही कर सकते हैं, बट ठीक है, ओके। What is the type of the shock that you are suspecting right now? Adrenaline shock or the hypovolemic shock? What is this device called? Naam batayenge kuch. डिपार्टमेंटल क्रिकेट भाई, अभी डिपार्टमेंट्स का क्रिकेट का मैच चल रहा था, मतलब जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे उनका क्रिकेट का मैच हो रहा है, एक टूर्नामेंट हो रहा है। तो अभी फर्स्ट मैच था रेडियो और सर्जरी का जिसमें रेडियो जीत गए, एंड अभी जो मैच आपने देखा वो था एनाटॉमी और मेडिसिन का जिसमें मेडिसिन जीत गए। तो भाई ये क्या मैच हो रहे हैं भाई, मतलब पहली बार ही हो रहे हैं हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के मैच हो रहे हैं भाई, क्रिकेट मैच, और बढ़िया सही हो रहा है। अगला मैच अभी माइक्रो का है, तो देखते हैं कि अभी पता नहीं किसके अगेंस्ट है, पर चलो ठीक है, अगर वक्त मिलेगा तो वो भी देख लेंगे, पर भाई देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है भाई, डिपार्टमेंट्स वर्सेस डिपार्टमेंट्स फाइट हो रही है भाई क्रिकेट की, क्या बात है। ठीक है, ये कुछ है ऐसी चीज़ें जो देखने के लिए कम मिलती हैं मेडिकल कॉलेज में, बट ठीक है, मज़ा आता है, अगर ऐसी चीज़ें और हो तो और मज़ा आए। फिर से ऐसे थोड़ी सफाई करवाई थी, थोड़ा बेकार हो गया फिर से रूम, एंड यहाँ देखो बुक्स का पता नहीं क्या लग गया फिर से, एंड वैसा ही हाल थोड़ा थोड़ा रूम का वापस होने लग रहा है, बट भाई बट मैंने अपनी अलमारी थोड़ी सही कर रखी है अभी भी, तो वो भी ठीक है। दिवाली में यार मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, दिवाली में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बस मूवीज़ देख रहा था जो कि मैं हमेशा करता हूँ, और बस खाना खा रहा था, और मेरे को लग रहा है मैं बहुत मोटा हो चुका हूँ, मुझे रनिंग की ज़रूरत है, सोच रहा हूँ रनिंग वनिंग करूँ, बट ठीक है। तो घर पे देख के मेरे को दो तीन मूवीज़ अच्छी लगी, एक तो मूवी है द सब्सटेंस, देखना बड़ी अच्छी लगी मुझे, अच्छा कॉन्सेप्ट था, सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी, एंड बहुत अच्छा वो था कॉन्सेप्ट मूवी थी। दूसरी मेरे को अच्छी लगी एक थी देखी मैंने स्ट्रेंज डार्लिंग, तो वो भी बहुत अच्छी मूवी थी, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो वो भी अच्छी मूवी है। बाकी भी मैंने देखी थी चार पांच मूवीज़ और देखी थी जो कि थोड़ी अच्छी क्लासिक मूवीज़ हैं, बाकी इनमें से तो मेरे को ऐसी ही अच्छी लगी थी थोड़ी सी, तो अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप देख लेना। हाँ निकोलस केज की मैंने अभी एक और देखी थी मूवी, निकोलस केज तो मुझे भाई बहुत सही लगता है क्योंकि भाई वो बहुत अलग अलग एक्टिंग रोल्स करता है, जैसे कि जेक गिलनहॉल भी है, जेक गिलनहॉल जो कि बहुत अच्छे अच्छे रोल्स करता है एंड डिफरेंट रोल्स करता है, हमेशा कुछ यूनिक करने का करता है, जैसे कि निकोलस केज है, तो उसकी मैंने अभी देखी थी लॉर्ड ऑफ वॉर, तो भाई वो भी मुझे अच्छी लगी, मतलब सही था वो। किसी ने नहीं देखी तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपके पास फ्री टाइम है, कोई बात नहीं। बाकी अभी मैं एक सीरीज देख रहा हूँ जो कंटिन्यू पे चल रही है, फ्रॉम और पेंगुइन, अगर आपको देखनी होगी तो आप देख सकते हो, वो भी तो सही सीरीज है, बढ़िया है। तो इतना ही था आज के वीडियो में, आज का व्लॉग थोड़ा क्रेजी हो गया, बढ़िया था, मज़ा आया, एंड सही है, आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। तो इसी लो की नोट पे इस व्लॉग को भी समाप्त करते हैं, और हाँ हमारा कुछ प्लान बन रहा है, तो देखते हैं क्या प्लान बनेगा, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।
Oh, 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 oh